नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के आतंक के बीच कबीरधाम जिले में 13 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली का नाम रनीता उर्फ हिड़मे कवासी है, जो सुकमा जिले की निवासी है। रनीता 2016 से नक्सलियों के साथ सक्रिय थी और इस दौरान कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रही। एसपी अभिषेक पल्ला और कलेक्टर जनमे मोहबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस की कार्यशैली से प्रभावित होकर महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। क्या नाम है आपका? रनीता। घर का नाम हिलमे है। कब से आप नक्सली संगठन में काम कर रहे हो? 2016 से काम कर रहे हो। इधर बालाघाट में कब आए आप काम करने? 2017 में आए। तो रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले कहाँ के हो? सुकमा के रहने वाले हो। कौन सा गांव सुकमा में? पूलम पार। कौन सा थाना पड़ता है पूलम पार? चिंतन लाल थाना पड़ता है। तो चिंतन लाल थाना से इतना दूर आप बालाघाट क्यों आए नक्सल संगठन में? बालाघाट क्यों आए इतना दूर? नक्सली लेके आए। कौन नक्सली भर्ती किया आपको? वहीता दीदी आपको भर्ती करेंगे। वहीता आपकी काम कर रही है नक्सली संगठन में? क्या वो खुद सरेंडर हो गई? कहाँ सरेंडर हुई वो? सुकमा में सरेंडर करी। कब सरेंडर करी वहीता? आपको पता नहीं। तो आप जब यहाँ पे आ रहे थे तो कौन बड़े नक्सली के साथ काम करते थे आप? आप लेके आए थे। विकास को जानते हो आप? विकास कौन सा हथियार पकड़ता है? AK-47 पकड़ता है। विकास अभी भी नक्सली संगठन में है? छोड़ दिया नक्सली संगठन में है। आप क्यों छोड़ दिए नक्सली संगठन? बहुत समस्या है। क्या क्या समस्या है वहां पे? खाना पीना भी नहीं हो पाता है और पानी, अच्छा पानी भी नहीं मिल पाता है और बहुत चलना फिरना पड़ता है। आप कभी मुठभेड़ में शामिल हुए थे? एक मुठभेड़ में। कहाँ पे? टांडा में। मुठभेड़ में क्या हुआ था? यमुना दीदी मारी गई। कौन सी फोर्स मारी? पता नहीं आपको। तो आपको गोली नहीं लगा उसमें? नहीं लगा। तो आप भाग खड़े। कब हुआ था ये मुठभेड़? 2019।